पहनी नहीं, और साथ में हमारी जो है ना नीलम भी आ गई है, और साथ शॉपिंग कर देते हैं हम। केक पसंद आया आपको? जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया कि आज हम करने लगे हैं जैडी की बर्थडे, लेकिन बर्थडे ऐवी थोड़ी हो जाती है, बर्थडे के लिए केक बनाना पड़ता है। केक किस तरह से बनाना है इसका, इसको जो है हम क्लीन कर रहे हैं, अच्छे से ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं और साफ़ सुथरा कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि यार ये बर्थडे बॉय जो है वो गंदा क्यों लग रहा है। आपको पूरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम केक बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने इसकी एयर क्लीन कर दी है, और उसके अलावा इसको ब्रश कर दिया अच्छे से, आइस क्लीन कर दी है, सब कुछ कर दी है, ताकि हमारा बर्थडे बॉय जो है ना वो प्यारा सा सोना सा दिखाई दे। सबसे पहले केक बनाना सिखाते हैं, केक बनाने चलते हैं आज। ये लें जी, केक बनाने के लिए हमने केक वाली जो बेस होती है ना वो भी मंगवा लिया, ताकि केक वाकई केक लगे। उसके अलावा हमने जो है ना वो कैप्स मंगवा लेंगे, ये पहन लेंगे, पुष्पा को भी ले कर आएंगे इसके अंदर। और ओहो, छोटी छोटी सी हमने मोमबत्तियाँ भी अरेंज करवा ली हैं जैरी जितनी प्यारी प्यारी सी। बर्थडे केक बनाने के लिए हमने तीन चीज़ें ली हैं। एक तो हमने अच्छा सा ड्राई फ्रूट ले लिया है, उसके अलावा हमने मेबल का जो है वो वेट फूड ले लिया, उसके अलावा एक क्रीमी ट्रीट ले लिया है, और अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। ले जी, जैरी से सब्र तो नहीं हो रहा, लेकिन हमने जैरी के सामने ही जैरी का केक बनाएंगे। हाँ? और ये हमने सबसे पहले निकाल लिया है मेबल को, जो कि कुछ हद तक तो मुझे लग रहा है कि केक की शक्ल में निकल ही आया है। इसके ऊपर हम जो है ना वो लगाएंगे थोड़े से बिस्किट्स, है ना जैरी? आपके लिए ही है, पुष्पा भी खाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको ये पता नहीं है कि उसकी सालगिरह पे ना हमने पुष्पा को भी इनवाइट किया हुआ है। ये थोड़े से बिस्किट्स लगाए हमने, और उसके ऊपर जो है ना हमने, ओए मक्खी भी आ गई, उसके ऊपर हमने लगानी है क्रीमी ट्रीट। आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, क्रीमी ट्रीट इसके ऊपर हम लगाएंगे एज आ, इसे वैसे लिख ही लेते हैं हैप्पी बर्थडे, या इसके ऊपर जैरी लिख लेते हैं थोड़ा सा, अगर लिखा जाता है। नहीं, इतना आराम से नहीं लिखा जाएगा। चलें जी, ये हमने इसके ऊपर क्रीम की टॉपिंग कर दी है, और साइडों पे भी थोड़ी थोड़ी क्रीम की टॉपिंग कर देते हैं हम। अब हम हो गए हैं केक बनाने वाले, और ये बन गया है। जैरी, चखाऊँ आपको थोड़ा सा? ये ले, ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा जैरी, जैरी आपके लिए बन रहा है केक ये। ले जी, हमने जैरी के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके केक तो तैयार कर ली है। अब हम बाकी जो है ना पुष्पा वगैरह को लेके आते हैं साथ में, और फिर हम देखते हैं कि पुष्पा को भी पसंद आता है कि नहीं आता, उनको टोपियाँ पहना के देखते हैं कि पहनते भी हैं या नहीं पहनते। जैरी की बर्थडे मनाने के लिए पुष्पा भी आ गया, इसने तो कैप पहनी नहीं, और साथ में हमारी जो है ना नीलम भी आ गई है, और साथ में जैरी ने तो फू करना नहीं, इनके साथ बर्थडे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैरी आपके इससे कहा मैं फू कर दूँ, हैं मैं कर दूँ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जैरी। चलें जी, अब हम इसको उतारेंगे और केक इनको एज इट इज़ ही सर्व कर देंगे, क्योंकि खा के देने वाला तो कोई काम नहीं है। चलो भाई, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, चलो जी आ जाओ, सबको छोड़ दें यहाँ पे। बर्थडे मनाना तो इनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। केक पसंद आया आपको? चलें जी, सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया लगता है। इनको केक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, और तीनों माशाल्लाह से जो है ना वो खा रहे हैं टप टप करके, और अच्छा खासा, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 500 ग्राम से ज़्यादा का था केक, जो ये आधे से ज़्यादा खा चुके हैं माशाल्लाह से तीनों। उनको पसंद भी बहुत आया, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसी वीडियोस बनाना कैट्स के साथ, क्योंकि कैट्स नॉर्मली इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं होती, अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाइए, और जैरी को खुश करने के लिए, और आप लोग जो जैरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको खुश करने के लिए वीडियो बनाइए। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख लें तो लाजमी से हमें सब्सक्राइब कर लें, उस तरह की वीडियोज़ आएंगी और भी बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।